नमस्कार दोस्तों, ज्ञान टेल्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जीके का एक नई वीडियो लेके आए हैं। आज हम जीके के टॉप 120 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि सभी सरकारी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। हमने इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे हैं, तो अगर आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों तो ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर इन क्वेश्चनों में आपको कोई क्वेश्चन का आंसर पता है तो वो क्वेश्चन आपका इसमें रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार कौन थे? तो इसका आंसर है बेन किंग्सले। तो आपको ये याद रखना है कि जो फिल्म गांधी थी उसमें जो गांधी जी का किरदार निभाया था उनका नाम था बेन किंग्सले। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1945 में। तो आपको ये याद रखना है, जो जापान पर परमाणु बम गिराया था अमेरिका द्वारा, वो 1945 में गिराया गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, खिलाड़ी धनराज पिल्ले कौन से खेल से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हॉकी। आपको ये याद रखना है, जो खिलाड़ी धनराज पिल्ले हैं वो हॉकी खेल से संबंधित है। चौथे क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है 5। तो ये आपको याद रखना है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है यूएनओ, उसकी सुरक्षा परिषद में टोटल 5 स्थायी सदस्य हैं। तो चलिए पांचवें क्वेश्चन को देख लेते हैं, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये बहुत ज़्यादा इजी होगा, आपको ये पता होगा। इसका सही आंसर है 5 सितंबर। तो आपको ये याद रखना है कि जो शिक्षक दिवस है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। छठे क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्र पुष्प क्या है? ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये भी आपको इसका आंसर पता होगा। इसका सही आंसर है कमल। तो भारत का जो राष्ट्र पुष्प है वो है कमल। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा सातवां क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है सतलुज। तो आपको याद रखना है, जो भाखड़ा नंगल बांध है वो सतलुज नदी पर स्थित है। चलो क्वेश्चन एट को देख लेते हैं, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान वर्तमान पाकिस्तान में है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हड़प्पा। तो ये आपको याद रखना है कि जो हड़प्पा है वो सिंधु सभ्यता का स्थान है जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ को देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। तो आपको ये याद रखना है, जो खैबर दर्रा है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर टेंथ को देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर टेंथ है, यह नदी प्राय द्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है यमुना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, मॉनसून हवाएं कौन सी हवाएं होती हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है वर्षा ऋतु की हवाएं। तो आपको ये याद रखना है, जो मॉनसून की हवाएं होती हैं वो वर्षा ऋतु की हवाएं होती हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, रूस में साइबेरिया दुनिया भर में किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही आंसर है वो है इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। तो आपको ये याद रखना है कि रूस में एक जगह है साइबेरिया, तो वो अत्यधिक ठंडी और उसकी ठंडी हवाओं के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। हमारा प्रश्न 13 है, 1857 का विद्रोह क्या है? तो इसका सही आंसर है ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह। तो 1857 में जो ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था, तो इसीलिए 1857 उसके लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस उत्पाद के लिए अलीगढ़ मशहूर है? तो इसका सही आंसर है ताले बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है कि जो अलीगढ़ है वहाँ पे वहाँ के ताले बहुत ज़्यादा फेमस है, तो अलीगढ़ तालों के लिए फेमस है। तो क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है,
भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो आपको ये याद रखना है, जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा 8। तो आपको ये याद रखना है, जो हमारा सौर परिवार है, जिसे हम सोलर सिस्टम भी कहते हैं, उसमें 8 ग्रह हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स भारत में कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है वाराणसी। तो आपको ये याद रखना है, जो भारत की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो ये भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन होगा आपके लिए, इसका आंसर आपको पता होगा। तो इसका आंसर है सिख धर्म के लोग। तो आपको ये याद रखना है कि जो बैसाखी का त्यौहार है वो सिख धर्म के लोग मनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। शाहनामा किसकी कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरदौसी। तो आपको ये याद रखना है, जो शाहनामा है वो फिरदौसी की कृति है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, मणिपुर की राजधानी क्या है? तो इसका जो आंसर है वो है इम्फाल। तो ये भी आपको याद रखना है, जो मणिपुर है उसकी राजधानी इम्फाल है। क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। यह एक ऐसा शहर है जो गंगा के तट पर बसा है? तो ये भी इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा। इसका सही आंसर है कानपुर। तो जैसा कि आपको पता है, कानपुर यूपी में आता है। तो ये एक ऐसा शहर है जो गंगा के तट पर बसा हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। हमारा 22वां क्वेश्चन है, भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। भारत में बहुत सारे धर्म हैं, तो इसीलिए भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे किसे जोड़ते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, यह शहर अंगूरों की पैदावार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर सही है नासिक। तो आपको ये याद रखना है, जो नासिक शहर है वो अंगूरों की पैदावार के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। कोयना बांध कहाँ स्थित है? तो इसका जो आंसर है वो है महाराष्ट्र। तो आपको याद रखना है, जो कोयना बांध है वो महाराष्ट्र में स्थित है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, खरीफ की फसल कब काटी जाती है? तो आपको ये याद रखना है कि जो खरीफ की फसल है वो नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं। हिमानी, जिसे हम ग्लेशियर्स कहते हैं इंग्लिश में, बर्फ का एक बहुत विशाल पिंड है, जो कि इसका सही आंसर है हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। तो आपको ये याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर है, जो पानीपत का प्रथम युद्ध था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, अजमेर कौन से सूफी संत से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो आपको ये याद रखना है, जो अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, यह एक ऐसा मुगल राजा था जिसने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है अकबर। तो आपको याद रखना है कि जो अकबर मुगल राजा था, उसने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1964। तो आपको ये याद रखना है, जो गोवा है उसको पुर्तगालियों से 1964 में आज़ाद कराया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं।
अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर, जो कि जैसा कि आपको पता होगा कि वर्तमान में ये अनुच्छेद भारत से हट गया है, भारत के जम्मू कश्मीर से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है गोदावरी। तो जो गोदावरी नदी है महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1757 ईस्वी में। तो आपको ये याद रखना है, जो प्लासी का युद्ध था वो 1757 ईस्वी में हुआ था। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे? सही आंसर है सी राजगोपालचारी। तो आपको याद रखना है, जो स्वतंत्र भारत थे उसके प्रथम जो गवर्नर जनरल थे वो थे सी राजगोपालचारी। 40वें क्वेश्चन को देख लेते हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर है आत्माराम। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को देख लेते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रगान लिखा था? तो इसका जो सही आंसर है वो है बांग्लादेश। तो आपको ये याद रखना है, जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने भारत का राष्ट्रगान तो लिखा ही था, उसके साथ साथ उन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, हिटलर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइक्रोम के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, लोहे पर जंग लगने से उसका भार? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बढ़ता है, अगर लोहे पे जंग लग जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को देख लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पातालपुरी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को देख लेते हैं, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा स्टील में। तो जो ध्वनि की चाल होती है वो स्टील में सबसे अधिकतम होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है टाइटेनियम। तो टाइटेनियम होता है वो भविष्य की धातु भी कहलाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है सल्फर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इसका सही उत्तर है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो आपको ये याद रखना है, जो रजिया सुल्तान थी वो शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है तमिलनाडु। तो हमारा 50वां क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है मालीगांव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका सही उत्तर है ग्रामीण स्वायत्तता। तो आपको याद रखना है, जो चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी वो थी ग्रामीण स्वायत्तता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या हुआ है? तो इसका सही उत्तर है शहतूत की पत्ती। तो आपको याद रखना है, जो रेशम का कीड़ा होता है उसकी जो मेन भोजन होता है पदार्थ वो शहतूत की पत्ती होती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? इसका जो सही आंसर है वो है शेरशाह सूरी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रदीप। तो आपको याद रखना है, ऐ मेरे वतन के लोगों जो कि बहुत ज़्यादा फेमस देशभक्ति गीत है वो प्रदीप ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, वायु का दबाव किसके कारण होता है? सही उत्तर है घनत्व के कारण। तो जो वायु का दबाव है वो घनत्व के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है? सही उत्तर है बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं,
अमीबा में कुल कितने शैल कोशिका होते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है एक। अमीबा में कुल एक शैल कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? तो इसका सही उत्तर है 1963 में। तो नागालैंड है जो भारत का विधिवत राज्य 1963 में बना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है? सही उत्तर है मालीगांव। जो उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वो है मालीगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मुख्यमंत्री है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है राज्यपाल। जो राज्यपाल होता है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसका जो सही उत्तर है वो है कोसी। तो जो बिहार का शोक नदी कोसी उसको कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है? सही उत्तर है चंद्रमा। तो चंद्रमा को पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? सही उत्तर है मराठों द्वारा। तो जो चौथ नामक कर था वो मराठों द्वारा लिया जाता था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मुगल बादशाहों का सही क्रम। तो मुगल जो बादशाह थे उसका जो सही क्रम देख लेते हैं। तो उसका जो सही क्रम है वो था बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी, हुमायूं, अकबर ए आज़म, जहांगीर, शाहजहां ए आज़म, आलमगीर, बहादुर शाह, जहानदार शाह, फारूक शियार, रफ़ी उल दर्जत, शाहजहां द्वितीय, मोहम्मद शाह, अहमद शाह बहादुर, आलमगीर द्वितीय, शाहजहां तृतीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसका सही क्रम देखना है तो आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। मैं इस वीडियो को यहाँ पर रख देता हूँ, आप इसको पॉज करके सही क्रम को याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल किसने की, यानी कि सौर मंडल शब्द किसने कहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉपरनिकस ने। तो सौर मंडल जो शब्द था पहले वो कॉपरनिकस ने कहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर है विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत किसने शुरू की थी? सही उत्तर है लॉर्ड मैकॉले। तो जो भारत में अंग्रेजी की शिक्षा थी वो लॉर्ड मैकॉले ने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है मिल्खा सिंह। इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है। तो आपको याद रखना है जो फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर थे उन्हें मिल्खा सिंह कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है विटामिन सी। तो आपको याद रखना है जो नींबू और संतरा होता है उसमें विटामिन सी पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदय शंकर किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है नृत्य। जो उदय शंकर है वो नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? हमारा सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घरेलू उपयोग में पाए जाने वाला चीनी में पाया जाता है? सही उत्तर है सुक्रोज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? सही उत्तर है दादा साहेब फाल्के। तो आपको ये याद रखना है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो भारत में प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी उसके निर्माता कौन थे? तो ये थे दादा साहेब फाल्के। तो इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो भारत की पहली फिल्म थी वो थी आलम आरा, परंतु तो उसमें ध्वनि नहीं थी। जो राजा हरिश्चंद्र थी वो भारत की पहली फिल्म थी जिसमें आवाज़ भी थी, तो इसलिए इसके हिसाब से भी इसको भारत की पहली फिल्म बोलते हैं। तो इसके जो निर्माता थे वो थे दादा साहेब फाल्के। और जैसा कि आपको पता होगा कि जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है उसमें दादा साहेब फाल्के अवार्ड के नाम से एक अवार्ड भी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? सही उत्तर है फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
पुस्तक वॉर एंड पीस लेखक हैं? सही उत्तर है लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्ति की नियुक्ति कौन करता है? सही उत्तर है राष्ट्रपति। जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो सही उत्तर है फ्रियॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं? सही उत्तर है जे.जे. थॉमसन। तो जे.जे. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? सही उत्तर है आत्माराम शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? सही उत्तर है वाई.बी. चौहान। तो जो महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री थे वो थे वाई.बी. चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर है अहमदाबाद। तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? सही उत्तर है जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लक्षद्वीप की राजधानी है करवती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? तो इसका नाम है रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा फेमस किताब है भारत में, तो इसके जो लेखक थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 को देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी, जिसे हम इंग्लिश में ग्रेविटी भी कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है न्यूटन। तो जो न्यूटन थे, सर आइजेक न्यूटन, उन्होंने ग्रेविटी की खोज की थी, जिसे हिंदी में हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। तो जो नोबेल पुरस्कार था, जो भारत वो भारत के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें इससे सम्मानित किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है श्रेष्ठ गुरु प्रशिक्षक से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो स्थित है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी स्थित है, जिसे हम इंग्लिश में एनडीए कहते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो इसका सही आंसर है वो है देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय मानक समय आधारित है? सही उत्तर है 82 डिग्री पूर्व देशांतर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? सही उत्तर है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है? सही उत्तर है शोभ मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना में विजयंत नाम है एक टैंक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है बाप बेटे का। तो आपको याद रखना है कि ये दोनों कपूर फैमिली से बिलोंग करते हैं, और जो पृथ्वीराज कपूर हैं और राज कपूर हैं, ये बाप बेटे हैं। और आपको इनकी हायरार्की याद रखना है कि जो पृथ्वीराज कपूर हैं उनके जो बेटे थे राज कपूर, और जो राज कपूर थे उन्हीं के बेटे हैं ऋषि कपूर, और ऋषि कपूर के ही बेटे हैं रणवीर कपूर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? ये भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, सही उत्तर है असम। तो आपको याद रखना है, जो असम राज्य है भारत के लिए चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं।
भारत के किस राज्य सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में चावल बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है। हमारा 100वां प्रश्न है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है दिल्ली। तो भारत भारत के दिल्ली शहर में जंतर मंतर स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? सही उत्तर है 11। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। इसके अतिरिक्त आपको ये याद रखना है, जो क्रिकेट होता है उसमें भी 11 ही खिलाड़ी होते हैं, और हॉकी हमारे भारत देश का राष्ट्र खेल भी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बांग्लादेश की मुद्रा है? सही आंसर है टका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? सही आंसर है मिश्र सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? सही उत्तर है गया, जिसे हम बोध गया भी कहते हैं, वहाँ महात्मा बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? सही उत्तर है महाकवि कालिदास। आपको ये याद रखना है, जो प्रसिद्ध नाटक शकुंतला था वो महाकवि कालिदास ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? सही उत्तर है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा राज्य भारत के वृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? सही उत्तर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी कायंत्रित शैल है? सही उत्तर है संगमरमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का पूर्ण रूप है? सही उत्तर है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? सही उत्तर है वास्को डी गामा। तो भारत आने वाले जो सागरीय मार्ग की जो खोज की थी वो थे वास्को डी गामा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, स्वेज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया? तो सही उत्तर है यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? तो सही उत्तर है 1914 से 1918 के बीच में। तो जो प्रथम विश्व युद्ध था वो 1914 1918 के बीच में लड़ा गया था, 4 साल का टाइम था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? तो सही उत्तर है बालाजी बाजीराव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर है महात्मा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता थे? रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है, जो दादा भाई नौरोजी हैं वो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो सही उत्तर है मार्च 12, 1930 में। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो 12 मार्च 1930 में प्रारंभ हुआ था। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा आखिरी प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपको ये याद रखना है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे
उन्होंने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया था। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 120 क्वेश्चंस जो कि आपको सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। इस वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे थे और ये सारे क्वेश्चंस लगभग हर गवर्नमेंट एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में याद हो गए होंगे। तो चलिए अब मैंने आपका एक छोटा सा टेस्ट रखा है इस वीडियो के आधार पर, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस तैयार हुए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन थे? तो अगर आपको इसका उत्तर पता हो तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के पत्नी का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके टेस्ट के लिए दो क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन ये है, भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन थे? और दूसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के पत्नी का नाम क्या था? आपको इसका आंसर हमें कमेंट करके बताना है, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका ये टॉपिक कितना तैयार हुआ। तो फ्रेंड्स ये थे 120 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड थे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और फ्रेंड्स अगर आप किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो हम आपके लिए जीएस और जीके की ऐसे ही वीडियोस लेके आते रहते हैं। तो इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि आपको आने वाली हमारी सारी वीडियोस नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाएं। तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।